हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फोना ऑफ जैंड के, यानी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ जैंड के हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे इसमें पहला रहेगा व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, यानी मैं आपको पहले समझाऊंगा नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। देन वी विल सी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जैंड के, उसका एक इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। और उसके बाद टॉपिक नंबर 4 जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मेजर टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन जैंड के हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ इन जैंड के। ओके, सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। और natural vegetation means the plants that have not been grown by humans। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ इस पिक पे देख रहे हैं, जहां ये जो यहाँ पे वेजिटेशन है, ये नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन होती है जो खुद ही ग्रो होती है, जो नेचुरली ग्रो होती है विदाउट द ह्यूमन एड, यानी इंसान का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। मैं आपको और ये क्लियर करूंगा। देखिए दिस इज एप्पल गार्डन, ये एप्पल गार्डन है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये प्लांट्स हैं, जो ये वेजिटेशन है, ये हम लगाते हैं, यानी ह्यूमन लगाते हैं। ओके, सो ये नेचुरली ग्रो नहीं होता है, ये हम लगाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन इज जो नेचुरली ग्रो होती है विथाउट ह्यूमन एड, या जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ये आप याद रख लीजिएगा। और प्लांटेशन क्या होता है, जो इंसान वेजिटेशन लगाता है उसको बोलते हैं प्लांटेशन। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। ओके, सो जो प्लांटेशन खुद ही ग्रो होती है, नेचुरली ग्रो होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। ओके, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला है रिलीफ, ओके, दूसरा है क्लाइमेट। दो फैक्टर्स हैं। अब रिलीफ में आपका आएगा लैंड, सॉइल, ऑल्टीट्यूड। ओके, यानी आपकी जो लैंड है, आपकी जो सॉइल है वो कैसी है, और उसके बाद ऑल्टीट्यूड, ये भी मैटर करता है। ओके, उसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर फॉर नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल, इसमें टेम्परेचर आएगा और ह्यूमिडिटी, उसके बाद फोटो पीरियड, यानी कब कितनी टाइम तक सनलाइट पड़ती है, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, यानी जो रेनफॉल या स्नोफॉल जो होता है उस पर ये डिपेंड होता है। सो टू मेन फैक्टर्स, वन इज रिलीफ एंड सेकंड इज क्लाइमेट। एंड जो क्लाइमेट है, दैट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। थोड़ा सा मैंने बताया ताकि आपको ये जहन में रहे जब भी आप नेचुरल वेजिटेशन पढ़ोगे। सो मूविंग टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जैंड के। जो नेचुरल वेजिटेशन ऑफ जैंड के है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हम ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। जो जैंड के हैं, इट इज वेल एंडोड विथ नेचुरल वेजिटेशन। बहुत ज्यादा यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा की, बहुत है यहाँ पे फ्लोरा की डाइवर्सिटी, रेंजिंग फ्रॉम द लश ग्रीन मर्ग्स, जैसे गुलमर्ग हैं, सोनमर्ग हैं, इनको बोलते हैं अल्पाइन पास्चर्स भी, तो एवरग्रीन कॉनिफर्स ऑन जेंटल स्लोप्स ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। ओके, स्क्रब फॉरेस्ट कवर साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक फुट हिल्स एंड डिसीडियस फॉरेस्ट्स आर फाउंड ऑन द साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक एंड पीर पंजाल रेंज। ओके, पीर पंजाल रेंज मैंने पढ़ाया है, और ये शिवालिक रेंज, ये सारा मैंने पढ़ाया है जब हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ जैंड के पढ़ रहे थे। ओके, उसके बाद जो हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख है, यहाँ पे जो, चूंकि यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, सो इसकी वजह से जो यहाँ पे वेजिटेशन है वो है जीरोफाइटिक वेजिटेशन। ओके, और आप जो देखोगे जो नेचुरल ट्रीज हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एब्सेंट हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हैं, जैसे नुब्रा वैली में है, और ऑल रिवर वैलीज प्रेजेंट, जो भी रिवर वैलीज हैं उनके आसपास ये ट्रीज आप देखोगे। बाकी आप हर जगह यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो, ये ऑलमोस्ट कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, सो यहाँ पे जो वेजिटेशन है दैट इज जीरोफाइटिक वेजिटेशन। ओके, सो जो जैंड के नेचुरल वेजिटेशन है इसकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, जो हमने देखा कि डिसीडियस फॉरेस्ट्स हैं, कोनिफर्स हैं, जीरोफाइटिक वेजिटेशन है। ओके, मर्ग्स हैं, यानी अल्पाइन पास्चर्स हैं। सो दिस इज अबाउट
a small introduction about natural vegetation of J&K. Now we will move to the important topic, that is the main topic, that is major types of natural vegetation in J&K. जो मेजर टाइप्स हैं नेचुरल वेजिटेशन इन J&K वो हम देखेंगे और ये हमारा मेन टॉपिक है. देखिए पहले हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स और वेजिटेशन. पहले तो है सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, दूसरा टेम्परेट वेजिटेशन, तीसरा अल्पाइन फॉरेस्ट्स पास्चर्स या वेजिटेशन या मर्ग्स, उसके बाद है जीरोफाइटिक वेजिटेशन. ओके, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम मेनली देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम कहाँ पे हैं ये कौन सा टाइप कहाँ पे हैं. दूसरा हम सम फीचर्स देखेंगे हर एक का, और तीसरा हम देखेंगे कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं इन पर्टिकुलर टाइप्स में. ओके, सो फोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन J&K. One is subtropical forests, second is temperate forests, third is alpine forests, and fourth is xerophytic vegetation. And this vegetation is found in Ladakh region. Okay, so moving to the first type, that is subtropical forests. पहले हम देखेंगे ये हैं कहाँ पे, इनका distribution यानी ये कहाँ पे हैं. This type of vegetation is confined to the shivaliks and lower slopes of Himalayas within an altitude of 1500 meter. ओके, देखिए हिमालयाज और शिवालिक ये सारा मैंने पढ़ाया था फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ J&K में. ओके, सो यहाँ से वहीं से मैंने मैप भी लिया है. सो ये जो है यहाँ पे शिवालिक है और इसके ऊपर आपको आएगा हिमालयाज. सो लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज एंड शिवालिक जो ये जम्मू का रीजन है, जम्मू प्लेन से जो ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप देखोगे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स. ओके, दिस रीजन. ओके, जो जम्मू प्लेन्स हैं और फिर शिवालिक, उसके बाद लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, यानी विथिन एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर. ओके, देन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के फीचर्स, ओइंग टू द सीजनलिटी ऑफ रेनफॉल एंड एडेप्टिक फैक्टर्स, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट्स. यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो सीजनली होती है. ओके, और जो एडेफिक फैक्टर्स यानी जो सॉइल के रिलेटेड फैक्टर्स है, उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है. ओके, दीज फॉरेस्ट्स हैव थिक अंडरग्रोथ बुश एंड स्क्रब्स. यहाँ पे जो ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनकी जो अंडरग्रोथ होती है यानी जो ट्रीज के नीचे होते हैं, यहाँ पे आप थिक अंडरग्राउंड बुश एंड स्क्रब्स देखोगे. एंड मोस्ट ऑफ दीज वेजिटेशन इज ब्रॉड लीव्ड डेसिडियस टाइप. ओके, डेसिडियस टाइप यानी जो अपने जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं फॉर अ सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे जो विंटर्स में शेड करते हैं. ओके, उसके बाद जो डोमिनेंट स्पीशीज है यहाँ पे वो आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा है टीक है, साल है, शीशम है, पीपल है, टुन है, सिल्वर पाइन है, किकर है, थॉर्नी बुश है, एवरग्रीन शर्बस हैं एंड क्लेम्बर्स हैं और रीड हैं. रीड इसको लोकली खार भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज द सम, दीज आर सम डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन. ओके, देन मूविंग टू आवर सेकेंड टाइप ऑफ वेजिटेशन, दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन. अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पे आप देखोगे, देखिए जब आप नॉर्थवर्ड्स जाओगे, As the altitude and latitude and altitude increases, the place of subtropical forests is taken by temperate vegetation. अभी हम देख रहे थे शिवालिक और lower slopes of Himalayas जो जम्मू plains में fall होता है. ठीक है, उसके बाद जब हम north की तरफ जाते हैं तो हमें आ जाता है जो latitude में change होती है और उसके साथ altitude में भी change हो जाती है, और उसके इसके साथ साथ जो subtropical vegetation है उसकी जगह ले जाता है temperate vegetation. अब ये कहाँ पे हैं स्पेसिफिकली, स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज, जनस्कर, बिटवीन 1500 मीटर टू 300 मीटर ऑल्टीट्यूड एंड आर डोमिनेटेड बाय टेम्परेट, दीज आर डोमिनेटेड बाय टेम्परेट वेजिटेशन. ओके, सो स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालयाज एंड जनस्कर रेंज जो है, और ये ऑल्टीट्यूड बिटवीन 1500 मीटर टू 3000 मीटर के बीच में है ये वेजिटेशन. ओके, देन द डोमिनेंट स्पीशीज आर देवदार, पाइन, सिल्वर फिर, स्प्रूस फर, इल्म, सिडार एंड हेजल. और जो नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल हैं, हैव द डोमिनेंस ऑफ देवदार एंड ब्लू पाइन विथ अंडरग्रोथ ऑफ डेसिडियस शर्बस, वाइल जहलम फॉरेस्ट डिवीजन जो स्ट्रेच करता है फ्रॉम गुलमर्ग टू लोलाब इज डोमिनेटेड बाय सिडार, फिर,
स्प्रूस स्पीशीज ऑफ कॉनिफर्स। और उसके बाद जो वैली ऑफ कश्मीर है, जो कश्मीर वैली फ्लोर है, यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलर्स देखोगे, आप चिनार देखोगे, विल्लो देखोगे, मैपल देखोगे, और इनका जो कैरेक्टर है दे आर डिसीडियस इन कैरेक्टर, यानी दे शेड देयर लीव्स फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज ड्यूरिंग दीज विंटर्स दे शेड द लीव्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द टेम्परेट वेजिटेशन जो हमने पढ़ा। और उसके बाद है अल्पाइन वेजिटेशन थर्ड टाइप, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है देखिए कहाँ पे है, ये अल्पाइन फॉरेस्टस या पास्चर्स या वेजिटेशन या मर्ग्स जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे उनको मर्ग्स बोलते हैं। ये हैं दीज पास्चर्स लाई ऑन हायर ऑल्टीट्यूड्स, ओके, ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हैं बिटवीन 3600 मीटर टू 4000 मीटर अबो सी लेवल। ओके, सो ये जो अल्पाइन फॉरेस्टस है ये J&K में हायर ऑल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं, ओके, बिटवीन 3600 मीटर टू 4000 मीटर अबो सी लेवल। ओके, दीज पास्चर्स आर डोमिनेटेड बाय ग्रीन ग्रासेस, ठीक है, दीज पास्चर्स आर डोमिनेटेड बाय ग्रीन ग्रासेस, जैसे आप गुलमर्ग जाओगे, ओके, दैट इज अल्पाइन वेजिटेशन, अल्पाइन पास्चर्स, ओके, सो आप देखोगे वहां पे ग्रीन ग्रासेस देखोगे, या सोनमर्ग जाओगे आप, ओके, so being the zone of high altitude the climate in alpine pastures is extremely cold over greater part of the year, okay, so chunki higher altitudes pe hain yahan pe ye alpine pastures, so yahan pe jo temperature rehta hai wo bahut hi kam rehta hai, aur jo snowfall snow rehti hai is pe mostly snow rehti hai in pastures mein, aur uske baad jab summers aate hain to fir ice melt hota hai aur fir in high altitudes pe aur lush green grasses grow. Examples are Gulmarg, Sonmarg, ठीक है, Dudhpatri जो यहाँ पे, या आप बेताब वैली देखोगे जो lush green grasses हैं, pastures हैं यहाँ पे, alpine pastures जिनको यहाँ मर्ग्स भी बोलते हैं, ठीक है, आप वहां वो found करोगे. Okay, so this is about the alpine pastures or vegetation. So हमने देखा जो major types of natural vegetation in J&K, subtropical forests भी हमने देखा, temperate forests भी देखा, उसके बाद alpine forests या pastures भी हमने देखा, और उसके बाद है xerophytic vegetation, ये लद्दाख vegetation है, ये लद्दाख में यहाँ found पाई जाती है, और इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा लद्दाख vegetation के ऊपर, okay, vegetation in लद्दाख, so I will have a separate video for this. ओके, देन वी हैव अ टॉपिक ऑफ वाइल्ड लाइफ इन J&K, ये हम डिस्कस करेंगे फ्लोरा एंड फौना ऑफ J&K पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज.